27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के जवानों के लिए शनिवार का दिन खुशियों भरा रहा। जवानों को नवीनीकृत और उच्चीकृत राजपत्रित गेस्ट हाउस की सौगात मिली, जिसका उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस सुजीत पांडे ने किया। इससे पहले अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे को क्वार्टर गार्ड पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने सेनानायक आईपीएस बबीता साहू की उपस्थिति में वाहिनी और गार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्होंने सभी को वर्दी में एक समान उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो लगाने का निर्देश दिया, जिसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक ने 11वीं वाहिनी सीतापुर में तीनों वाहिनियों के जवानों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। उन्होंने एक पीएसी जवान की वर्दी और फिटनेस पर उसकी सराहना की और पुरस्कृत करने को भी कहा। अपर पुलिस महानिदेशक ने वाहिनी भ्रमण के दौरान वाहिनी अस्पताल, सीपीसी कैंटीन, वर्चुअल हॉल, सभी दलों की बैरक, वाहिनी नियंत्रण कक्ष, जीडी कार्यालय, प्रशासनिक भवन, आंकिक कार्यालय, कंप्यूटर कार्यालय, गोपनीय कार्यालय, समस्त दल कार्यालय, आवासीय परिसर और बामा सारथी आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजपत्रित गेस्ट हाउस, आदर्श भोजनालय, वर्चुअल हॉल, बार्बर शॉप, वाहिनी मुख्य द्वार एवं वाहिनी नियंत्रण कक्ष की प्रशंसा की। इस मौके पर उप सेनानायक सर्वेश कुमार मिश्र, शिविरपाल ब्रजेश कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस आरक्षी मौजूद रहे। सीतापुर पीएसी निरीक्षण करने पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आज 27 बटालियन और 11 बटालियन दोनों का इंस्पेक्शन है और यह देखा जा रहा है कि हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के आदेश से कि उनका कितनी कंप्लायंस हुई है। जैसे व्यवस्थापन में उच्चीकरण की एक बहुत बड़ी बात थी कि बैरक्स एंड परेड ग्राउंड यह कितना अधिक हम सुधार कर लिए हैं और कैसी ट्रेनिंग चल रही है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं आया हुआ था। बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सुधार है वह दिख रहा है, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें आने वाले समय में हम और कब काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।